दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से आपको डेली वीडियोस दे रहा हूं और कल मैंने आपको अपने जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज के संबंध में जो प्रमुख राइटर्स हैं उनके बारे में बताकर मैंने एक वीडियो आपको दिया था, और उससे पहले मैंने ग्रामर में आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाना आरंभ किया था और उसका एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था और एक पार्ट मैंने वीडियो के रूप में आपको दे दिया था। अब हम चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि मैं आपको कुल मिलाकर तीन टॉपिक पूर्ण रूप से दे चुका हूं, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो और तीसरा एडजेक्टिव, चौथा टॉपिक है हमारा वर्ब। और जो मैंने उस दिन आपको वर्ब का पार्ट वन दिया था उसमें मैंने आपको वर्ब टॉपिक में दो महत्वपूर्ण चीजें समझाई थी। एक तो वर्ब के टाइप, तो काइंड्स ऑफ वर्ब में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक मैंने आपको बताया था ट्रांसिटिव और एक बताया था इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में मैंने आपको समझाया था कि वे वर्ब जिनमें पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है उनको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि वाक्य में जो वर्ब आई है उसका अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है और हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है, कहते हैं। फिर दूसरी थी आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब जो होती हैं वह स्वतः अपने आप में ही पूर्ण अर्थ व्यक्त करती हैं और इन्हें अर्थ व्यक्त करने के लिए कदापि किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए इनको अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। तो वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वो ट्रांसिटिव, और वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता वो आपकी कहलाती है इंट्रांसिटिव। साथ ही साथ एक चीज तो मैंने आपको यह बताई थी, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ऑब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां प्रयोग होता है, तो इससे संबंधित मैंने आपको वर्ब पार्ट वन करके एक पूरा वीडियो दिया था। आज हम उसी जो वर्ब पार्ट वन मैंने दिया था उसी के आगे के नियमों को लेकर आया हूं। वर्ब पार्ट टू मैंने दिया है नाम इस वीडियो को, और अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा, जैसे मैंने लिखा है रूल, मैंने लिखा आपके लिए सम वर्ब्स आर यूज्ड एज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग हो जाती हैं। फिर से समझिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग हो जाती है विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म, और ऐसा करते समय उन्हें अपने रूप में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। या आप कह सकते हैं कि बिना रूप परिवर्तित किए हुए भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग हो जाती हैं। जरा एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे लिखा है आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे। अब यहां वर्ब आई आपकी वॉक, और इसको हमने ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज किया क्योंकि इसके बाद मैंने क्या लगा दिया माई हॉर्स, तो माई हॉर्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, माई हॉर्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब इसी को इंट्रांसिटिव रूप के रूप के तौर पर जब मैंने बात को लिखा तो मैंने लिख दिया द हॉर्स वॉक्स, द हॉर्स वॉक्स। यहां पर भी वॉक आया, यहां पर भी वॉक आया, यहां वॉक के बाद हमने कायदा प्रयोग किया ऑब्जेक्ट का, तो ये हो गई ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन इस वाक्य में हमने जब वॉक का प्रयोग किया तो उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यही रूल है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग हो जाती है बिना फॉर्म चेंज किए हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है द ड्राइवर स्टॉप्ड द टीचर, सॉरी द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। यहां पर भाई आपकी स्टॉप और ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने कायदा प्रयोग किया द ट्रेन, तो यहां कौन सी वर्ब हो गई है ट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट आया। अब इसी सेंटेंस को जब मैंने इस प्रकार से लिखा द ट्रेन स्टॉप,
ट्रेन रुक गई। तो यहां एक स्टॉप ये भी है, स्टॉप ये भी है, दोनों आपकी सेम वर्ब्स हैं, लेकिन यहां चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो वो ट्रांसलेट हो गई, और यहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए क्या हो गई, इनट्रांसलेट। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा है द पियोन रैंग द बेल, द पियोन रैंग द बेल, तो रैंग क्या हो गई आपकी रिंग की सेकंड फॉर्म, और रिंग क्या है आपकी वर्ब, और उसके बाद मैंने लिख दिया द बेल, बेल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसलेट वर्ब हो गई क्योंकि वर्ब के बाद क्या आया ऑब्जेक्ट आया। लेकिन दूसरी तरफ जब इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा द बेल रैंग, द बेल रैंग, तो रैंग यहां पे भी आया, रैंग यहां पे भी आया, आया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहां पे भी आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहां पे भी आया, लेकिन इसके बाद मैंने किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है, तो इस कारण से ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये रूल मैंने लिखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि बिना अपना फॉर्म चेंज किए हुए, रूप परिवर्तित किए हुए, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग कर ली जा सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल पे आए, आज के लिए दूसरा रूल जो है, जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर यूज होती है, जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ यूज होती है तो ट्रांसिटिव बन जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी वर्ब जो कि बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब है और जब उसके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वही इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो आपकी क्या बन जाती है, ट्रांसिटिव बन जाती है। ध्यान से समझिएगा जरा, एक तरफ मैंने लिखा है इंट्रांसिटिव और दूसरी तरफ मैंने लिखा ट्रांसिटिव, ठीक है जी। अब जरा सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने लिखा ही लाफ्ड, पूरा अर्थ दे रहा है वह हंसा, ही लाफ्ड का मतलब क्या हुआ, वह हंसा, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग तो किया नहीं था, जब नहीं किया तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। लेकिन मैंने कहा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ यदि प्रपोजिशन का प्रयोग कर दिया जाए तो वे इंट्रांसिटिव वर्ब किस रूप में प्रयोग हो जाती है, ट्रांसिटिव के रूप में। अब जैसे मैंने ये लिख दिया ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी, तो यहां मैंने लाफ यहां पे भी था, लाफ आपका यहां पे भी है, लेकिन यहां लाफ के बाद हमने क्या लगा दिया एट, और एट क्या है प्रपोजिशन, तो चूंकि लाफ के बाद एट लगा इसलिए फिर इसका रूप क्या हो गया, ट्रांसिटिव का, इंट्रांसिटिव की जगह क्या किस रूप में आ गई है, ट्रांसिटिव के रूप में। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, जैसे कि शी लुक्ड, दूसरा सेंटेंस लिखा है आपका शी लुक्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, सी लुक उसने देखा, सी लुक का मतलब क्या हुआ, उसने देखा। अब इसमें शी लुक्ड इनटू द मैटर, शी लुक्ड इनटू द मैटर, अब इसमें क्या आ गया आपका प्रपोजिशन इनटू, तो जब और फिर उसके बाद मैटर हमें लगाना पड़ा तो ये नेचुरल उसके बाद क्या हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ध्यान रखिएगा कि जब इंट्रांसिटिव वर्ब कोई हो और उसके बाद अगर आपको प्रपोजिशन लगाना है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वह इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वह ट्रांसिटिव वर्ब में परिवर्तित हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका रूल नंबर थर्ड आज के लिए, तो जैसे कि लिखा है कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद, कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब आप कहेंगे सर वर्ब जब इंट्रांसिटिव है, अकर्मक है, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो फिर ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। तो जरा समझिए, कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज होता है जो अर्थ में वर्ब के समान होता है, यानी कि होता था वो यूज तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में होगा लेकिन वास्तविकता में वो ऑब्जेक्ट ना होकर बल्कि वर्ब का ही रूप होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, इसको हम हिंदी में सजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय हिंदी में। अब आज मैंने आपके सामने तीसरा ऑब्जेक्ट का प्रकार दिया, अब तक मैंने जो पिछला वीडियो वर्ब का दिया था तो उसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट आपको समझाए थे, एक बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बोला था व्यक्ति सूचक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, व्यक्ति सूचक,
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जाति सूचक। बाकियों में पहले कौन सा आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्यक्ति सूचक, और बाद में कौन सा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु सूचक। आज मैं आपको बता रहा हूं तीसरा ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ साथ आप ऑब्जेक्ट भी सीखते चलिए। जब कभी भी कोई भी ऐसा शब्द जो कि और जिसका कि अर्थ वाक्य में दी गई वर्ब के समान होता है, वाक्य में दी गई वर्ब के समान होता है, और वह शब्द अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो उस वर्ब को, उस ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, अर्थात सजातीय ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जरा एग्जांपल समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, वह एक शानदार मृत्यु मरा, वह एक शानदार मृत्यु मरा। अब देखिए यहां डाइड और डेथ, डाइड और डेथ, वर्ब क्या है सेंटेंस में यूज हुई? डाइड। ऑब्जेक्ट क्या यूज हुआ? डेथ। और दोनों का अर्थ कैसा है? वर्ब के समान, यानी कि डेथ का अर्थ जो है वो जो वाक्य में दी गई वर्ब डाइड है उसी के तो समान हुआ, वह शानदार मृत्यु मरा। डाइड में भी मरा और डेथ में मृत्यु, तो मरा और मृत्यु तो समान अर्थ हो गया, तो समान अर्थ हो गया। इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है? डेथ शब्द डाइड के सजातीय माना जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए, ही हैज फॉट ए गुड फाइट, ही हैज फॉट ए गुड फाइट, उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। तो भैया देखो, फॉट और फाइट सजातीय शब्द हो गए। यहां ऑब्जेक्ट जो है फाइट और वर्ब है आपकी फॉट, तो फाइट और फॉट एक दूसरे कैसे हो गए? सजातीय, यानी कि समान अर्थ वाले। और जब समान अर्थ वाले हो गए तो ये ऑब्जेक्ट फिर से क्या हो गया बेटा? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। और वर्ब आपकी कैसी रहेगी? ये इनट्रांसिटिव ही रहेगी, ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है ये, ध्यान रखना। वर्ब कैसी रहेगी? इनट्रांसिटिव ही रहेगी। अगला, ही लिव्ड ए वर्चुअस लाइफ, ही लिव्ड ए वर्चुअस लाइफ, वह गुणकारी जीवन जीता है, या उसने गुणकारी जीवन जिया। जीवन और जिया, तो यहां लिव्ड शब्द आया और यहां लाइफ शब्द आया। लाइफ आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लिव्ड क्या हो गई? आपकी वर्ब। दोनों के अर्थ कैसे हो गए? सजातीय। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी आपका कैसा हो गया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि वाक्य में जब कोई ऐसा शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में आए जो कि वाक्य में दी गई वर्ब के समान अर्थ का हो, वर्ब के समान अर्थ का हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर रहेगा साहब आप? ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये वाला नियम समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती हैं। कुछ ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो कि कभी कभी वाक्यों में इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे, ये ट्रांसिटिव के हैं और ये इंट्रांसिटिव के हैं, जरा समझिएगा। सी ईट्स ब्रेड, सॉरी एक सेकेंड, शी ईट्स ब्रेड, वह क्या खाती है? ब्रेड खाती है, रोटी खाती है। ठीक, ब्रेड का मतलब रोटी, वह रोटी खाती है। अब यहां ईट्स आया और ईट्स के बाद ब्रेड आया, ईट्स आया और ईट्स के बाद क्या आया? ब्रेड। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांसिटिव, सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अब इसी सब सेंटेंस को मैंने इधर लिख दिया, बी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। तो यहां लिव शब्द तो आया लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको पता है लिव भी क्या है? वर्ब। तो वर्ब के बाद वर्ब आई है, तो यहां ईट शब्द जो है वो यहां तो कैसे यूज हुआ है? आपका ट्रांसिटिव के रूप में, और यहां किस रूप में यूज हो गया? इन ट्रांसिटिव के रूप में। एक बात और जिसे ध्यान से समझिए आप,
यह आवश्यक नहीं है कि वर्ब के बाद जो भी शब्द आया है वो ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। आपको यह देखना है कि यदि व्यक्ति सूचक कोई शब्द आया हो या वस्तु सूचक कोई शब्द आया हो तो ही वो वर्ब, तो ही वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। अब भैया हम सब जानते हैं टू लिव, अगर हम वर्ब की बात करें तो ये एक इन्फिनिटिव वर्ब हो गई टू लिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब के बाद इन्फिनिटिव वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ ना, समझे। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जब वर्ब के बाद व्यक्ति सूचक या वस्तु सूचक कोई शब्द आए तो ही वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा देखिए, द बॉय ब्रोक द ग्लास, लड़के ने कांच तोड़ दिया। अब ग्लास क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि वस्तु सूचक है, तो ब्रेक क्या है हमारी वर्ब, तो ब्रोक द ग्लास कांस्टेंट वर्ब हो गई, ब्रोक हमारी यहां पर कौन सी हो गई, कांस्टेंट वर्ब। अब इसी का दूसरा सेंटेंस है द ग्लास ब्रोक, कांच टूट गया, तो यहां ब्रोक की बात तो मैंने कुछ लिखा नहीं साहब, तो ये ब्रोक किस रूप में आया, ट्रांसटिव, और यहां ब्रोक किस रूप में आ गया, इनट्रांसटिव, ठीक है जी। अगला देखिए, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, तो ओपन और ओपन के बाद द डोर, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसटिव वर्ब हो गई, और इसके बाद इधर मैंने लिख दिया द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया, इसके बाद तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लगाया नहीं, तो ये आपकी क्या हो गई, इनट्रांसटिव वर्ब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ट्रांसटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि इंट्रांसटिव में भी प्रयोग हो जाती हैं, और उनके लिए मैंने आपके लिए ये एग्जांपल लिखे हैं स्क्रीनशॉट। अब इसी क्रम में आपके लिए अगला नियम है, जब कोई इंट्रांसटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देता हो, जब कोई इंट्रांसटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देती हो तो वह वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। आपसे कोई पूछ बैठे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई इंट्रांसटिव वर्ब जो है वह कंप्लीट सेंस यानी कि पूर्ण अर्थ दे रहा हो तो ऐसी वर्ब को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे साहब वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। क्या कहेंगे आप, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे, यानी कि पूर्ण विशेषण, पूर्ण विशेषण वाली क्रिया। क्या कहेंगे इसको हम, पूर्ण विशेषण वाली क्रिया। जैसे कि सेंटेंस मैंने लिखा द गर्ल लाफ्स, लड़की हंसती है, तो भैया पूरा अर्थ निकल गया, ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना किसी अन्य शब्द की जरूरत है सेंस पूरा करने के लिए, वाक्य स्वतः ही, ये वर्ब जो है लाफ्स वह स्वतः ही पूरा अर्थ दे रही है, लड़की हंसती है, द गर्ल लाफ्स, हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है ना। तो कंप्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। द बेबी बीप्स, बच्चा रोता है, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं, बच्चा रोता है पूरा सेंस आ रहा है, तो फिर से ये वर्ब क्या होगी, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। बॉय स्लीप, लड़के सोते हैं, लड़के सोते हैं, तो यहां स्लीप क्या हो गया, आपकी इंट्रांसटिव वर्ब, और क्या चूंकि पूर्ण उत्तर अर्थ दे रही है तो वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट रूल, इंट्रांसटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, अभी जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जस्ट एक एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद जो शब्द आया है कोई आवश्यक नहीं है कि वो शब्द आपका ऑब्जेक्ट ही हो, जब तक कि वह व्यक्ति सूचक या वस्तु सूचक ना हो। तो क्या होता है, उसी को लेकर मैंने ये रूल लिखा है, इंट्रांसिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के पूरक के रूप में वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव या एडवर्ब का यूज हो जाता है। ध्यान रखिए, या तो यही इंट्रांसिटिव वर्ब पे आपका सेंटेंस खत्म हो गया, द बॉय बॉय स्लीप, द बेबी बीप्स, या द गर्ल लाफ्स, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके पूर्ण अर्थ को देने के लिए उसको एक हम कह सकते हैं पूर्ण अर्थ को देने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पूरक की आवश्यकता पड़ती है, और पूरक के रूप में आपके ये शब्द यूज हो जाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल,
प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव और एडवर्ब। मैंने देखिए पांच पांच आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे कि ये बात आपको समझ में आ जाए। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय क्या है घरेलू जानवर है। तो यहां इज क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब, क्या है टू बी वर्ब है ना, तो इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है एनिमल, तो एनिमल क्या है हमारा नाउन, तो यहां इंट्रांसिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन के रूप में हमने टाइटल यूज किया है एनिमल शब्द का। दूसरा देखिए द एलिफेंट हैज गॉन मैड, द एलिफेंट हैज गॉन मैड, जैसे कि लिखा है हिज एलिफेंट हैज गॉन मैड, उसका हाथी पागल हो गया, तो यहां वर्ब क्या है आपकी गॉन, उसका हाथी गया, क्या गया कॉम्प्लीमेंट चाहिए पूरक चाहिए, तो उन्होंने कहा मैड साहब पागल हो गया, उसका हाथी पागल हो गया, लेकिन यहां मैड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है एडजेक्टिव है, मैड क्या है एडजेक्टिव, तो काय का नाउन का यूज कर लिया एडजेक्टिव का यूज कर लिया साहब। तीसरा नियम देखिए द चाइल्ड बेंट ऑन वीपिंग, द चाइल्ड बेंट ऑन वीपिंग, लड़का जो था वह रोता हुआ रोता गया, ठीक है ना, रोता हुआ रोता रहा या रोता गया, तो यहां बीपिंग शब्द आया है साहब, वर्ब हमारी क्या है बेंट, वर्ब क्या है बेंट, और बेंट के पूरक के रूप में हमने काय का यूज किया बीपिंग का, और बीपिंग क्या है अपने आप में पार्टिसिपल, क्या है ये पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम सब जानते हैं क्या होता है पार्टिसिपल होती है, तो यह पार्टिसिपल हो गई। फिर द पेन इज ऑफ नो यूज, द पेन इज ऑफ नो यूज, अब यहां इज आया इंट्रांसिटिव वर्ब और उसके बाद क्या लिखा है ऑफ नो यूज, तो यहां ऑफ आ गया आपका प्रपोजिशन और नो यूज ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम कहेंगे प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट आ गया इस सेंटेंस में। फिर अगला रूल देखिए ये वाला भी हो गया, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, हैव क्या हो गई हमारी इन्फिनिटिव वर्ब, सॉरी हैव क्या हो गई हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, और टू कम क्या हो गई इन्फिनिटिव वर्ब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगा देते हैं तो उसका रूप क्या हो जाता है इन्फिनिटिव का, ठीक, तो ये इन्फिनिटिव हो गई। अब आपका एक बचा जैसे कि आपका एडवर्ब का, तो एडवर्ब को अगर हम लिखना चाहे तो मैं लिख दूं जैसे कि एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं, शी हैज फॉलन असलीप, शी हैज फॉलन असलीप, तो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब आ गई भैया फॉलन, और असलीप जो है वो आपका क्या हो गया एडवर्ब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंट्रांसिटिव वर्ब को भी कभी कभी अपने वाक्य के सेंस को पूरा करने के लिए पूरक के रूप में नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव या एडवर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और हम इनको लगाते भी हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि इंट्रांसिटिव वर्ब या किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई शब्द आया है तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट ना होकर बल्कि इंट्रांसिटिव वर्ब के पूरक के रूप में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, और पूरक के रूप में क्या क्या आएंगे आपके नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल और प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है इंट्रांसिटिव वर्ब को भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ अन्य शब्द जुड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है जिससे कि उसका अर्थ पूर्ण निकल आए, और उसके लिए हमें नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्ब आपकी जो है वो इंट्रांसिटिव की इंट्रांसिटिव बनी रहती है। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वर्ब के बाद अगर कुछ लिखा है तो इसका कदापि मतलब आप ये ना समझें कि वह ऑब्जेक्ट ही है, और क्योंकि अगर हम ये सामान्य चलेंगे कि ऑब्जेक्ट है तो फिर इंट्रांसिटिव वर्ब होगी नहीं, फिर हम कह देंगे ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा, विशेष ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे कि इसी क्रम में हमारा अगला रूल है, यदि ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के यूज करने से स्पष्ट ना हो, ध्यान रखिए, यानी कि यदि
किसी वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब का यूज हुआ है और उस ट्रांसिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट के लगाने के बाद भी जो सेंस वाक्य का सेंस है वो स्पष्ट ना हो पाए, जो उस वाक्य का सेंस है अर्थ है वो स्पष्ट यदि ना हो पाए तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। तो पहले क्या लगेगी हमारा ऑब्जेक्ट जो आया है ऑलरेडी, क्यों ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, क्योंकि वह कॉम्प्लीमेंट जो है वह उस दिए गए वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट करेगा, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है। और भाई इस कॉम्प्लीमेंट को फैक्टिटिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है फैक्टिटिव, और हिंदी में हम इसको कहते हैं द्विकर्मक। क्या कहते हैं द्विकर्मक, कितने कर्म हो गए दो कर्म, यानी कि ऐसी वर्ब जिसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो उसको हम क्या कहते हैं फैक्टिटिव अर्थात द्विकर्मक। जब किसी वर्ब का अर्थ एक ऑब्जेक्ट स्पष्ट ना कर पाए और हमें दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़े उस दिए गए वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए, तब उस ऑब्जेक्ट को हम उस कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं फैक्टिटिव, और इसी को हम द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे कि द लॉस फेल्ड अस, नुकसान ने हमें भर दिया। अब समस्या ये है काय से भर दिया, भाई नुकसान होगा तो नुकसान से भरेगा क्या, नुकसान का मतलब तो खाली होना है, भरना क्या है भाई, किसी चीज का नुकसान हो धन दौलत कुछ भी हो तो भर दिया, काय से भर दिया उन्हें की विद ग्रीफ कष्ट से भर दिया। नुकसान ने हमें काय से भर दिया कष्ट से भर दिया, तो एक तो इसमें यहां पर ऑब्जेक्ट आया अस, तो द लॉस फेल्ड, फेल्ड हमारी क्या हो गई ट्रांसिटिव वर्ब, आस हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहां तक पूरा सेंटेंस हो गया, लेकिन यहां तक का वाक्य जो है वह हमारे सेंटेंस के सेंस को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो स्पष्ट अर्थ के लिए हमने इसमें क्या जोड़ा विद ग्रीफ, विद ग्रीफ क्या हुआ इस फील्ड का कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, और इसी को हम क्या कहेंगे फैक्टिटिव, क्या कहेंगे भैया फैक्टिटिव यानी कि द्विकर्मक। इस फील्ड को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता पड़ी, एक अस की और दूसरे ग्रीफ की, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं फैक्टिटिव यानी कि द्विकर्मक। दूसरा देखिए ही सेट द क्रिमिनल्स फ्री, तो भैया एक वर्ब हो गई आपकी सेट और सेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया द क्रिमिनल्स, ही सेट द क्रिमिनल्स, अब अर्थ तो निकला ही नहीं, ही सेट द क्रिमिनल्स क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्रिमिनल को कर दिया क्या कर दिया फ्री यानी कि मुक्त कर दिया, उन्होंने क्रिमिनल को क्या कर दिया मुक्त कर दिया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी फ्री की, तो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गए और दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसलिए ये कौन सी हो गई फैक्टिटिव वर्ब। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब का इस्तेमाल हो और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो एक ऑब्जेक्ट आए वह ऑब्जेक्ट उस दिए गए वाक्य के अर्थ को पूर्ण ना कर पाए, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में दूसरे कर्म का यूज करते हैं तो उसे फिर फैक्टिटिव कहा जाता है, और हिंदी में इस पूरी वाक्य को क्या कहा जाता है द्विकर्मक, क्या कहा जाता है द्विकर्मक। ठीक है, अब आया सवाल अगला रूल आपका फैक्टिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, अब यहां तो फैक्टिटिव वर्ब तो हम लगा देंगे भाई, हमने फैक्टिटिव लगा दिया वह वर्ब जिसमें कि दो कर्मों की आवश्यकता पड़े फैक्टिटिव हो गई, अब प्रश्न ये उठा कि फैक्टिटिव के रूप में क्या का यूज होता है, तो वो है फैक्टिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या यूज होगा, नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और एडवर्ब, यानी जो अभी हमने इन्फिनिटिव में आपको बताए थे, सॉरी इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए हमने आपको कॉम्प्लीमेंट बताए थे, वही कॉम्प्लीमेंट आपके काय में यूज हो रहे हैं ट्रांसिटिव में भी, और ये काय के लिए यूज होते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि बी मेड हिम, मेड हो गई आपकी वर्ब, मेड के बाद हिम आ गया ऑब्जेक्ट सेंटेंस हमारा हो गया, हमने उसे बना दिया, लेकिन सवाल ये है क्या बना दिया नहीं स्पष्ट हुआ ना, तो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, बी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे क्या बना दिया
कैप्टन बना दिया, और यहां कैप्टन शब्द क्या है? नाउन। ठीक, क्या हो गई ये वर्ब? फैक्टिटिव। क्लियर। दूसरा देखिए, द जज सेट द रॉबर फ्री, जज ने रॉबर को कर दिया, क्या कर दिया? फ्री कर दिया साहब, मुक्त कर दिया। तो एक तो ऑब्जेक्ट द रॉबर आ गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ गया? फ्री। तो दो ऑब्जेक्ट इसमें भी हो गए, और तब इस वर्ब की जो अर्थ है वो पूर्ण होगा आपका जाकर। तो ये जो फ्री शब्द है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो पहले में नाउन आया, दूसरे में क्या आ गया? एडजेक्टिव। तीसरा देखिए, आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग, आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग। अब यहां वर्ब क्या है आपकी? फाउंड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लगा दिया? हर। आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया। क्या पाया? क्या पाया? तो अर्थपूर्ण नहीं हुआ ना। अर्थपूर्ण कब हुआ? सोता हुआ पाया, मैंने उसे सोता हुआ पाया। अभी तो अर्थ कंप्लीट हुआ ना। तो इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने क्या यूज कर लिया? स्लीपिंग का। और स्लीपिंग क्या हो गई आपकी? पार्टिसिपल। अगला देखिए, योर स्टोरी फिल्ड विद मी। अब यहां योर स्टोरी के बाद फिल्ड आया, फिल्ड आपकी क्या हो गई? वर्ब। और उसके बाद मी भी आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपकी कहानी ने मुझे भर दिया, कैसे भर दिया? तो विद हॉरर, भय से भर दिया। आपकी कहानी ने मुझे भय से भर दिया। तो तब मैंने हॉरर शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, और इसलिए ये वर्ब कैसी हुई? फैक्टिटिव। और ये विद हॉरर जो है वो आपका क्या कहलाएगा? प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, यानी विद प्रपोजिशन हो गया, हॉरर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। एक और देख लीजिए, लास्ट रूल, लास्ट एग्जाम्पल, आई लाइक माई एनिमी टू बी पनिश्ड। आई लाइक माई एनिमी, मैं अपने दुश्मन को पसंद करता हूं। उसका अर्थ हुआ, दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने दुश्मन को पसंद करता हो? अर्थपूर्ण नहीं हो रहा ना। आई लाइक माई एनिमी टू बी पनिश्ड, मैं अपने दुश्मन को दंड करवाना, दंडित करवाना पसंद करता हूं। मैं अपने दुश्मन को दंडित कराना पसंद करता हूं। तो यहां क्या लिखा है? टू बी पनिश्ड। ये क्या हो गई आपकी? इंफिनिटिव वर्ब, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो एनिमी के रूप में आ चुका था। तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे वर्ब, वे ट्रांसिटिव वर्ब जो कि एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी अपने अर्थ को पूर्ण नहीं कर पाती हैं, ऐसे वर्ब को अर्थपूर्ण करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और वह कॉम्प्लीमेंट जो है वह आपका फैक्टिटिव कहलाता है। और फैक्टिटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपके नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव और एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपके लिए ये कुछ नियम दिए थे ट्रांसिटिव और इंस्ट्रांसिटिव से संबंधित। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।